कर दो तो अच्छी बात। यह दूसरा सवाल बच्चे ने लिख दिता, मैं पहला भी सुनया सी कैसा हो गया। मैंने अपनी वालदा के बारे में एक मसला पूछना, दे साल मेरी वालदा हज पर गई, मिना में उनका साथ अच्छा ना होने की वजह से बिछड़ गई। मेरी वालदा की उम्र 70 साल है, साथ ना मिलने की वजह से वो मक्का अपनी रहायशगाह पर चली गई गलती से, उसके बारे में क्या हुक्म है कि उन पर दम होगा? ये सब काम गलती की वजह से हुआ कि वो मिना से बाहर चली गई। किसी ने कहा कि 14 दिन के लगातार रोजे रखने होंगे कुरान और सुन्नत की। बे अम्मा नु जे नहीं पता लगा मिनाज चली गई, तो अगे भी तुसीं मसला सुनिया मैं बयान किया, मिनाज रहना कोई दीन दा हुक्म नहीं। हजूर आसानी जी ठहरे बार बार मक्कों क्यों, वरना मक्का चला जाए कोई आदमी अपने डेरे से चला जाए हज नु कोई नुकसान नहीं पहुँचता। ये चलो बेचारी गलती ना या बिछड़ गई, मिनाज सिर्फ आना पैंदा कि कंकरियां मारनियाँ, वो मक्के जाके भी अगर कोई आ जाए हज उहदा बिल्कुल ठीक है, अलबत्त मिनाज ही रहे तो सहूलत ही ना बार बार आने जाने तो कोई गल नहीं, ना रोजे है ना कोई दम है कुछ भी नहीं, अम्मा का हज ठीक है, बाकी कम अगर उन्हें पूरे कर लिया तो मिनाज तो चली गई थी तो अगर किसी ने कंकरियाँ मारतियाँ जो उसे आके मार लिया सब ठीक ही हो गया, दुरुस्त ही दुरुस्त है।